हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे आपने टाइटन में पढ़ा होगा कि आज बात करने वाले स्विंग बॉलर्स के ऊपर और खासकर भुवनेश्वर कुमार के ऊपर, किस तरीके से क्या चीज़ें होती है कि वो सेम एक्शन से दोनों स्विंग करा लेते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं भी सेम एक्शन से दोनों स्विंग कराने की एबिलिटी रखता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं उन चीज़ों को साथ में सिखा सकता हूँ कि आप कैसे, अगर स्विंग कराने चाहते हैं बॉल को सेम एक्शन के साथ में, आप कैसे स्विंग करा सकते हैं और हम भुवनेश्वर कुमार से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी बॉलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। पहले बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्शन के अंदर, वो है बॉडी का एक स्ट्रेट एंगल में रहना, कोई लेटरल फ्लेक्शन नहीं होना, ना इधर ना उधर। बॉडी एक स्ट्रेट, हल्का फुल्का होता है तो कोई नहीं, वो थोड़ा सा चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी ना गिरना और एक्शन में बहुत ज़्यादा जंप आउट ना करना, एक स्ट्रेट मोमेंटम रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं अगर बात करूँ, आप भुवनेश्वर कुमार को देखोगे तो जब रिलीज पॉइंट पे होते हैं तो बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट परफेक्ट, ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटस्विंग और इनस्विंग करनी है तो आपको बॉडी का स्ट्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जो आपके रिस्ट पोजिशन है तभी आप अच्छे से मूव कर पाओगे ऊपर, जब आप एक स्ट्रेट पोजिशन में होगे एंड यहाँ से अंदर या बाहर आपको करनी है तो सीधी बॉडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपके सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सेम एक्शन के अंदर स्विंग करानी है तो एक तो जंप आउट ना हो, दूसरा सेम बॉडी का जो एंगल है वो लेटरल फ्लेक्शन आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब आपका एक्शन आप आ गया होगे रिलीज पॉइंट के ऊपर आता है, वहाँ दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिलीज पॉइंट पे आते हैं तो आप बॉल को एक तो सीधा पकड़े, अगर दोनों बैट्समैन को ज़्यादा चकमा देना है तो कई बार क्या होता है, हम जैसे पहले ही हम बॉल को टेढ़ा है इधर या इधर कर लेंगे, वो चीज़ कई बार नहीं भी होती, उसके ऊपर भी आने वाली वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा कि काफ़ी लोग बता देते थे कि ऐसे बॉल पकड़े तो आउट स्विंग हो जाएगी, ऐसे पकड़े तो इन स्विंग हो जाएगी, इस तरीके से नहीं, किस तरीके से फिंगर लगती है, क्या चीज़ होती है इसके पीछे भी प्रॉपर, किस तरीके से आपका एंगल कितना दूर होना चाहिए, वो चीज़ रहती है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सीम है, अगर आपको बैट्समैन को रिसीव करना है तो हमेशा सीधा पकड़ना है। मैं खुद पर्सनली बॉल को सीधा पकड़ता हूँ जिससे कि बैट्समैन को क्लू नहीं मिलता कि भाई आउटस्विंग होने वाली है कि इनस्विंग होने वाली है, वो सिर्फ वहाँ पर फिर रिस्ट पोजिशन का खेल है कि आप रिलीज पॉइंट पे किस तरीके से रिस्ट के साथ खेल रहे हैं, ये और वो चीज़ प्रैक्टिस करने से आती है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि मैं अभी एक साल मैंने प्रैक्टिस करी है, 17-18 साल से मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ चीज़ों की, तो अब वो कमांड हो गई है कि मैं जब चाहूँ जिस तरीके से रिस्ट को अपना मूव कर सकता हूँ आउट स्विंग के लिए या फिर इन स्विंग के लिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन रिस्ट पोजिशन का ऊपर बिल्कुल बॉल सीधा पकड़ना है, एंड देन रिस्ट ऊपर जब रिलीज पॉइंट पे आते हैं तो वहाँ से किस तरीके से मूव कर रहे हैं आप, वो बहुत मैटर करती है। इसके बाद में थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अगेन कहूँगा, वो है फॉलो थ्रू। अगेन फॉलो थ्रू बहुत सीधा रहता है, बहुत टुवार्ड्स टारगेट रहता है, जिससे कि आपकी जो बॉल के पीछे की जो स्विंग है, जो लेट मूवमेंट है, वो बहुत आपको ज़्यादा मिलती है कि एकदम बॉल आपका सीधा गया और एकदम से लेट इन स्विंग हुआ, बॉल आपका सीधा गया लेट आउट स्विंग हुआ, वो चीज़ें तभी आती है जब आपकी जो मैंने चीज़ें बताई, जैसे भुवनेश्वर कुमार की भी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल लेटरल फ्लेक्शन नहीं होती है, रिस्ट एकदम बॉल सीधा पकड़ते हैं, रिस्ट के साथ बहुत अच्छा मूव करते हैं, एंड देन फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे स्विंग बॉलर बनना चाहते हैं, बैट्समैन को रिसीव करना चाहते हैं, आउट करना चाहते हैं अपने एट विल, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ पे काम करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।